एक सच्चे संत रास्ता दिखाते हैं। तो जो लोग घर हैं उनको बाबा जी रास्ता दिखा गए, उनकी शहीदी व्यर्थ नहीं जाएगी। हक के लिए आंदोलन, अगर सरकार हमारी मैन पावर या ताकत ही देखना चाहती है तो जिस दिन फिर किसान संगठन ऐलान करेंगे, क्योंकि वो अगुवाई कर रहे हैं, तो फिर सरकार को ताकत दिखा देंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसा रेवोल्यूशन, ऐसी क्रांति इस देश में आएगी जो शहीद भगत सिंह के सरदार करतार सिंह सराबा शहीद जो थे, शहीद उधम सिंह के बाद यहाँ इस देश में आई थी और अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा था। ऐसे ये काले अंग्रेज जो किसानों का हक छीन लेना चाहते हैं, जो उनको पूंजीपतियों गुलाम बना देना चाहते हैं, इनको भी जाना पड़ेगा। और मैं चरूनी जी एक सच्चे नेता किसानों के लिए लड़ रहे हैं, और ऐसे नेताओं को और ऐसे अगर ऐसे आंदोलन को सपोर्ट नहीं किया तो समझिए कि हम मरे हुए हैं। बाबा साहब का एक लाइन पढ़ी थी बचपन में कि जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात यह है कि सम्मान से जीना, स्वाभिमान से जीना, अपने हक लेकर जीना, ये बड़ी बात है। आज किसानों के हक छीन रहे हैं, इससे पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। तो मैं जो इस देश से इतना प्यार करता मैं पीछे क्यों रहूं? और हर व्यक्ति जो देश में कहीं भी है ये उसका आंदोलन है और उसको इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। चंद्रशेखर रावण हमारे साथ मौजूद है। चंद्रशेखर जी, पहले तो बाबा जी के बारे में दो शब्द आप अपनी तरफ से। बाबा जी का जो खत है और उस खत में जो लिखा गया है और यहाँ आके जो और उनके बारे में जानकारी मिली कि एक 10 पन्नों का खत उन्होंने और लिखा है जो यहीं पर है। अच्छा। और उस खत में उन्होंने ये लिखा है कि सब लोग अपनी अपनी तरह से जो है इस आंदोलन में भागीदारी कर रहे हैं, तो मैं मेरे सुसाइड को सुसाइड ना समझा जाए, मैं बलिदान दे रहा हूँ इस आंदोलन के लिए। सच्चे संत हैं और किसानों के प्रति गरीबों के प्रति चिंतन था उनके मन में और वो इस आंदोलन को करीब से देख भी रहे थे और जो हालात वहाँ बने हुए हैं जब वो वहाँ गए तो मुझे लगता है कि खुद को रोक नहीं पाए। सच भी है, एक सच्चे संत रास्ता दिखाते हैं। तो जो लोग घर हैं उनको बाबा जी रास्ता दिखा गए, उनकी शहीदी व्यर्थ नहीं जाएगी। उनकी शहीदी जो लोग घर रहे हैं उनको राह दिखाएगी, उनका बलिदान जो है इस देश में रेवोल्यूशन तैयार करेगा और अहंकारी सरकार के घुटने टिकवा देगा। जो लोग घर थे मुझे लगता है कि उनके संदेश को पढ़ने के बाद, जिस संदेश में उन्होंने लिखा कि जुल्म सहना और जुल्म करना और जुल्म को होते देखना, ये तीनों अपराध, तो जो जुल्म वहां किसानों पे हो रहा है, हमारी बीबियां, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारी बहनें, हमारे दादे चाचे सब लोग वहां ठंड में, उस तकलीफ को उन्होंने महसूस किया और उस तकलीफ के का जो दर्द था उसने उनको बलिदान देने मजबूर किया। मैं आज ये महसूस करता हूं कि गुलाम भारत की याद आज दोबारा ताजा हुई, जब शहीद करतार सिंह सराबा, शहीद भगत सिंह और तमाम लोगों ने बलिदान इसलिए दिया कि देश जाग सके, और आज भी बाबा जी का बलिदान जो है वो हमें जगाने के लिए। अगर आज भी हम नहीं जागे और लोग घरों में सोते रहे तो मुझे लगता है देश फिर गुलाम हो जाएगा। चंद्रशेखर वहां बॉर्डर पर समर्थन देने के लिए भी पहुंचे, यहां पर बाबा जी को नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए भी पहुंचे, लेकिन अभी भी जो मीडिया है या सरकार है इस आंदोलन को सिर्फ पंजाब और हरियाणा तक कहते हैं कि सीमित है। चंद्रशेखर क्या कहते हैं, कहाँ तक ये आंदोलन पहुँच चुका है? देखिए जी, जिस दिन भारत बंद किसानों द्वारा बुलाया गया था तो उसकी ताकत पूरे देश ने देखी, और ये पहला एक ऐसा आंदोलन जिसको दुनिया का समर्थन, सच्चा और हक के लिए आंदोलन। अगर सरकार हमारी मैन पावर या ताकत ही देखना चाहती है तो जिस दिन फिर किसान संगठन ऐलान करेंगे, क्योंकि वो अगुवाई कर रहे हैं, तो फिर सरकार को ताकत दिखा देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि आंदोलन शांतिप्रिय है, आंदोलन को बदनाम करने के लिए तमाम प्रयास हुए, तमाम खिलाड़ियों ने, तमाम तरह के लोगों ने समर्थन देके जो है, जो देश से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने देश की सेवा की, साबित किया कि किसान ये जो आंदोलन हक का आंदोलन है, और उसके बाद बाबा जी की शहीदगी, ये तमाचा है उस अहंकारी सरकार के मुंह पे जो इस आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास कर रही थी बड़े लंबे समय से। और संतों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाता। मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसा रेवोल्यूशन, ऐसी क्रांति इस देश में आएगी
जो शहीद भगत सिंह के, सरदार करतार सिंह सराबा शहीद जो थे, शहीद उधम सिंह के बाद यहाँ देश में आई थी और अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा था। ऐसे ये काले अंग्रेज जो किसानों का हक छीन लेना चाहते हैं, जो उनको पूंजीपतियों को गुलाम बना देना चाहते हैं, इनको भी जाना पड़ेगा। और सरकार, जालिम सरकार, मैं अभी ये उम्मीद है कि इस बलिदान के बाद सरकार के आंखें खुल जाएं, क्योंकि बलिदान तो वहां 22-23 हो चुके हैं, डेली कोई ना कोई, आज भीम भाई ने भी बलिदान दिया। मगर किसी भी आंदोलन में और ऐसे समय में और एक महापुरुष का बलिदान जो है वो हृदय को अंदर तक जो है हिला देता है। इससे दुखी भी हूं और बाबा जी से आशीर्वाद लेने और ये संकल्प लेने कि हम इस आंदोलन कमजोर नहीं पड़ने देंगे और जैसा भी किसान नेता हमारे आदेश करेंगे वैसा समर्थन हम उनको देते रहेंगे। और घर में अगर जिस तरह के मैसेज मिल रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई करेगी, सरकार तरीके ढूंढ रही है, तो मैं ये वादा करता हूं आज गुरु घर के सामने खड़ा होकर, अगर बलिदान देना पड़ा तो सबसे पहले चंद्रशेखर देगा, लेकिन इस आंदोलन को कमजोर नहीं पड़ने देगा और किसान वहां से खाली हाथ नहीं है। अच्छा चंद्रशेखर जी, आप बार बार कह रहे कि सरकार बदनाम करने की कोशिश कर रही है आंदोलन को, मतलब मैंने ये हद तक हद देखी है, इधर गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं एक फोटो में, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी बैठे हुए हैं, एक और शख्स है, उनके बारे में मतलब इस तरह से पेंट किया जा रहा है कि चंद्रशेखर का इस आंदोलन में आना बनता ही नहीं है। क्यों नहीं, चंद्रशेखर को अधिकार है। आंदोलन किसानों के साथ मजदूरों का भी है और ये सच्चा आंदोलन है, देश के लिए आंदोलन है, देश को बक्के बचाने के लिए आंदोलन है। ये वो अन्नदाता है जिसने इस देश को कोरोना महामारी के समय भी भोजन दिया, और अगर मैं इंसान हूं और मेरा जमीर मरा हुआ नहीं है तो मैं इस आंदोलन को कैसे छोड़ सकता हूँ, बताइए। मैं इसलिए इस आंदोलन में पीछे से खड़ा हुआ हूँ क्योंकि मुझे राजनीति में इस गुरुद्वारे के भी बाहर और अपने घर रख के आए इस आंदोलन में आते हुए। हर जगह राजनीति नहीं होती, कभी जब हक की लड़ाई होती, जहाँ बलिदानी की बात होती, वहां राजनीति नहीं होती। तो मेरा इतिहास जो है वो आंदोलन का इतिहास है और मैं चढ़ूनी जी एक सच्चे नेता, किसानों के लिए लड़ रहे हैं, और ऐसे नेताओं को और ऐसे अगर ऐसे आंदोलन को सपोर्ट नहीं किया तो समझिए कि हम मरे हुए हैं। बाबा साहब का एक लाइन पढ़ी थी बचपन में कि जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात यह है कि सम्मान से जीना, स्वाभिमान से जीना, अपने हक लेकर जीना, ये बड़ी बात है। आज किसानों को हक छीन रहे हैं, इससे पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, तो मैं जो इस देश से इतना प्यार करता मैं पीछे क्यों रहूं। और हर व्यक्ति जो देश में कहीं भी है वो ये उसका आंदोलन है और उसको इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, चाहे वो कैसे भी सेवा कर सकता है वो सेवा करे, और अगर बलिदान देना पड़े तो बलिदान भी दे। और मैं, बाबा जी तो महापुरुष थे लेकिन ऐसे हजारों लोग हैं जो इस आंदोलन को मैं बलिदान देने के लिए भी तैयार, क्योंकि वो इस देश से प्यार करते हैं, वो किसी पूंजीपति के एक एजेंट नहीं है। और महापुरुष जब बलिदान देता है तो आप समझिए कि ये एक ऐलान जंग है उस सरकार के खिलाफ, जो सरकार ये सोच बैठी है कि हम अहंकार में किसानों को कुचल देंगे। किसान नहीं कुचले जाएंगे, अगर इस ये आंदोलन कुचलने का सरकार प्रयास करती है तो आंदोलन नहीं, इस देश को कुचल देगी। लेकिन जब तक बाबा जी जैसे संत हैं, वो रास्ता दिखाने वाले संत हैं, तो तब तक ये आंदोलन नहीं कुचला जाएगा। ये जालिम सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे और हम उसके लिए कमर कस चुके हैं। मैं आज सिर्फ यहाँ बाबा जी को नमन करने तो आया, लेकिन ये संकल्प करने भी आया कि अगर वहां बैठे किसी भी किसान पर कोई भी अत्याचार हुआ, हमारी माताएं वहां है, हमारी बहनें वहां है, हमारी बच्चियां वहां है, हमारे बच्चे वहां है, हमारे दादा चाचा, हमारे सब लोग जिम्मेदार वहां है, ये पूरा समाज है देश, अगर उनके साथ कोई भी जुल्म जाती हुई तो ये देश तुरंत बंद हो जाएगा। और ये देश जो है मुझे लगता है तब तक चलेगा भी नहीं जब तक ये जालिम सरकार जो है अपने रास्ते से पीछे नहीं हटेगी। दुखद है, सरकार को जागना चाहिए और कितने महापुरुषों का बलिदान लेकर, कितने जो है किसानों का बलिदान लेकर सरकार जो है पूंजीपतियों की एजेंटगिरी करना छोड़ेगी, ये सरकार को सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इसको शेयर कीजिए, आप हमारे YouTube चैनल आपका रिपोर्टर को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को ज़रूर लाइक कर दीजिए।